वेलकम टू बैक माई चैनल। जो आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वो हिंदीपुर बालाजी। हम वैसे बेसिकली वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। मैं हूँ, ये शिवम है, ये कुछ है, ये विशाल है और ये हमारे राजन भाई हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। हमने सुना है वहाँ पे कि भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं और आते हैं वहाँ पर। मैं तो इन चीजों को मानता हूँ। ये मेरा सन्नी भाई है, ये बस ये नहीं मानता ये पंडित है और ये कहता भूत प्रेत होते ही नहीं। तो चलो गाइस, हम चल के वहाँ पे देखते हैं कि सच में होते हैं नहीं होते है, भाई सही है या फिर हम सही हैं। बाकी आगे जो भी रास्ता होगा हमने भी नेविगेशन में डाल दिया है। 4 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, बजरा है एक। चलो लेट्स गो। ये तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा गाड़ी तो जाएगी चौड़ में भाई। अभी तो रिचार्ज मारा था इसे अभी रिचार्ज किया 500 का, अभी 5 मिनट पहले, 5 मिनट आधा घंटा वाला। जब ये एक कैसे पीछे करते, हमने रिचार्ज कराया था 10 मिनट पहले। इसका एक प्रोसेस होता है कि आधे घंटे पहले रिचार्ज करना होता है, इस वजह से हमें पीछे बैक जाना पड़ रहा है। अब तुम्हें नॉलेज थी तो पहले कर लेते यार। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। वैसे जो हमारा फास्टैग रिचार्ज था वो मोबाइल में तो एक्टिव दिखा रहा है मगर मशीन में दिखाता ब्लैकलिस्ट। थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो इनका जो सबसे हेड था उसने जाके बोला फाइनली कि अब जाने दो इनको। अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं CNG। ये मरोड़ा CNG पंप है। अगर आप कभी भी आते हैं तो आप मरोड़ा CNG पंप अपने गूगल मैप पे डालिए तो आपको इजीली मिल जाएगा रास्ता, अगर आपके नियर है तो। अब हो गया एक्टिव। अभी हम ऑन द वे हैं और ये तीनों सो गए हैं, मैं और राजन जगे हुए हैं बस। तो मैं अभी इनको झूठ बोलूंगा कि हम बालाजी पहुंच गए हैं, देखता हूं उनका रिएक्शन क्या है। इनकी लाइट ऑन कर देता हूं। शिवम, सनी, अनुज भाई हम पहुंच गए, चल खड़ा हो। सनी मैं खड़ा हूं ना, टाइम हो रहा है भाई 4:30, चल। अबे सनी खड़ा हो, तू वीडियो बना ले यार पहले, सोने दे यार गौरव। अबे सन्नी भाई पहुंच गए यार, सोने दो सोने दो भाई सन्नी को ओ भाई सोने इसके कैसे लड़की सोने दो। अबे ये बोल ले छोटा सा लाजा यार। कौन सी जगह है अगवा? फर्स्ट टाइम यार, अभी तो पीछे कैश दिया था। जगह कौन सी है ये? राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर हम आ गए हैं। और ये जो आपको लेफ्ट में मार्केट नज़र आ रही है ये है मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की मार्केट, जहां से आप प्रसाद लेकर मंदिर में जा सकते हैं। अगर आप कभी भी आते हैं तो गाड़ी पहले ही पार्क कर लें, मंदिर के पास जाके पार्क ना करें क्योंकि आगे जाकर बहुत ज़्यादा होती है भीड़। और ये लेफ्ट में है बालाजी का मंदिर। कार पार्किंग की पर्ची और 12 घंटे के लिए हैं 50 रुपये हमसे। और ये मंदिर के थोड़ा राइट जाकर पास में ही है, अगर हम 12 घंटे से ज़्यादा लेते हैं तो 50 रुपये लगेंगे, चाहे घंटा 12 घंटे से कितने भी घंटे। भाई मेरा थोड़ी मत कीजिए, तू मोह सॉल ले रहे बनाए तो 50 रुपये। हम पहुंच गए हैं बालाजी और बालाजी में बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो धर्मशाला में थोड़ी देर करेंगे रेस्ट
उसके बाद जाएंगे हम दर्शन करने। हम कार में जिस नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे थे वो दिखनी स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पर। अभी हम मंदिर के अंदर भी नहीं गए और बाहर ही का ही नज़ारा है ये, और ये सब इतनी ज्यादा बड़ी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक धर्मशाला है, आनंद पर्वत धर्मशाला, जो कि मतलब कि जो आनंद पर्वत के लोग उन्होंने बनवाई है। अभी हम उसमें जाके रुकेंगे और आपके लिए यही सरप्राइज था वीडियो में कि आप दिल्ली से हैं और आनंद पर्वत से क्लोज से हैं तो आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। बहुत अच्छी धर्मशाला है, मैं आपको अंदर जाके भी उसका व्यू दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई होटल लेते हैं या कुछ और लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट जो धर्मशाला है ना इतनी एक्सपेंसिव है। और साथ में आप यहाँ पे रेस्ट करके मतलब थोड़ा फ्रेश होकर आराम से दर्शन भी कर सकते हैं। और ये ज़्यादा मंदिर से दूर नहीं है, पास में ही है। और हम ही अब धर्मशाला में रुके हुए हैं, थोड़ी देर में अभी थोड़ा फ्रेश होकर यहाँ से निकलेंगे। मैं आपको धर्मशाला का व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितने मेरे पैसे लगे वो सारा भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। अभी जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम धर्मशाला में थोड़ी देर करेंगे रेस्ट करने के बाद थोड़ा फ्रेश होकर हम जाएंगे दर्शन करने। तो मॉर्निंग का जो दर्शन का टाइम था वो तो निकल चुका है, तो हम करेंगे 12:30 बजे के दर्शन। और जो मैंने अभी यहाँ पे रूम लिया है आनंद पर्वत धर्मशाला में, वो आपको रूम दिखा देता हूँ। आप देखिए रूम, ये है मेरा रूम, हम हैं 5 लोग और हमने दिए हैं 250 रुपये। और यहाँ पर बिजली पानी सब है। वापस चल गया। ओ भाई बजरंगबली, भाई पैर जल रहे हैं बहुत क्योंकि टाइम हो रहा है 12:30। ओ जूते पहना है क्या? और हमें नहीं पता था कि दोपहर के 12:30 बजे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो रोड है वो है पक्की और हमारे पैर की हालत हो गई यहाँ पे पूरी ख़राब, क्योंकि हम ऐसे साइड में थोड़ा डिस्टेंस लेके चल रहे हैं फिर रुक रहे हैं। सेवम पीछे रह गया है, मैं अभी यहाँ तक आया हूँ, थोड़े बहुत पैर में छाले भी हो गए। सन्नी क्या है पैर का हाल चाल? बहुत चल रहे हैं और इसमें छाले अभी चेक करा है, 44 टेम्परेचर है अभी यहाँ का और उसमें हम पक्की रोड पे चल रहे हैं। रनिंग भाई थोड़ा हमें उससे आगे जाना है, मगर आधी दूरी भी ना हमारे लिए वो तो चला गया भाग के। आप कभी भी आए ना तो 12:30 बजे के दर्शन ना ही करें, क्योंकि ऐसी गर्मी में आपके पैर की हालत हो जानी है ख़राब। अभी हमें वहाँ जाके लाइन में भी लगना है और पैरों के नीचे से ना ऐसे आग लग रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ा भाग के वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे खड़े ओ भाई लाल हो गए तो। कैसे भी हम भाग के रुक के नियरेस्ट पहुंच गए बालाजी के मंदिर। पैर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मंगलवार को और शनिवार को माना जाता है कि बजरंगबली के दर्शन करें तो बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी आज अमावस्या है तो मतलब कि थोड़ा क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, भूत प्रेत को भी माना जाता है, बट हम तो यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने आए हैं। बाकी आज देखते हैं कि यार सच में है ये बातें या फिर नहीं है। ये लिया है हमने यहाँ पे प्रसाद और ये बोल रहे हैं लड्डू तो सुबह 7 से 12 चढ़ते हैं, तो अभी कौन सा लिया हमने? दूसरा चोले वाला। ये चोले वाला घुमाना है और अंदर ऑफिस में दिन सर पे 7 बार घुमाना है और चोला अंदर दे देना है। ठीक, हाँ बालाजी में एंट्री, और थोड़ा बहुत मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ की मैंने कुछ स्टोरी सुनी है। ये देखिए सिस्टम, ने तो अभी कर लिए यहाँ पे एंट्री मंदिर के अंदर और जय सिया राम के नारे बहुत जोरों जोरों से लग रहे हैं। और चन्नी भाई कैसा रहा भाग के आए तो?
पैर जल गए, पूरे छाले पड़ जाएंगे शाम तक। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने प्रसाद भी ले लिया है। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, जय श्री राम, 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 श्री राम बोल, जय श्री राम। बालाजी के धाम में बालाजी प्रमुख देवता हैं, साथ में दो देवता और भी हैं, एक है प्रेतराज और दूसरे हैं भैरवनाथ, जो कि उतने ही महत्वपूर्ण हैं। डर लग गया पूरे। ये वो पीड़ित हैं जो डॉक्टर के हाथ खड़े करने के बाद बाबा की शरण में आए हैं। यहाँ आने का अवसर मुझे मिला और यहाँ आने से पहले मेरे मन में एक डाउट था, ऐसी कौन सी शक्ति है जो बालाजी के मंदिर में आने के बाद पीड़ितों को नया जीवन देती है। पर हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं छुपा होता, कुछ सवालों के जवाब अनुभव में छुपे होते हैं। बाबा के मंदिर में घंटियों की आवाज़ कम, चीखने की आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। अगर आप बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, और ये विज्ञान का भी नियम है कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। पीछे बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आ रही है। अच्छे से दर्शन कर ले हैं, बट सच बताऊँ बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि एक लेडी मेरे बिल्कुल बराबर से गई, मेरे कंधे पे हाथ रखे और चिल्ला रही थी। मतलब और भी थी बहुत सारी, इतना ज़्यादा तो मैं कभी नहीं डरा जितना ज़्यादा आप डरा, क्योंकि मेरे जस्ट पीछे खड़ी थी। हमारे दर्शन तो हो गए ठीक ठाक, मैं मंदिर से निकल गया हूँ। आपको यहाँ पे जो भी प्रसाद मिलता है, ना तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं और ना ही उसको अपने साथ घर ले जा सकते हैं। और एक बात का भी हमेशा ध्यान रखें, अजनबियों से बात ना करें और किसी की आंखों में तो बिल्कुल ना देखें। अपने दर्शन करके चुपचाप मंदिर से अपने स्थान पे चले जाइए। बालाजी मंदिर के जस्ट सामने है श्री राम जी का मंदिर, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे, ये तो हम सब जानते ही हैं राम जी के, इसलिए मंदिर बालाजी मंदिर के जस्ट सामने बनाया गया है। अगर आप बालाजी मंदिर आते हैं तो इस मंदिर में भी ज़रूर दर्शन करें, ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शिवम, हम सुबह की आरती तो ले नहीं पाए, इसलिए हम शाम को 6:30 बजे यहाँ पर आरती लेने आएंगे, और वो आप जो आरती में देखेंगे ना, शायद ही आपने कभी लाइफ में देखा हो, तो वो देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। हम लगाने वाले रेस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कितनी दूर तक भाग पाते हैं। चल भाग दो, भाग पहले। ओ भाई गया 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 गया, भाग भाग भाग, 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 भाग। अरे हमको देखो धूप में, अरे भाई को देखो, नाइस आइडिया अंकल जी। अनुज सख्त लौटा है, तो दौड़, वो गई, तू कब आएगा?
मैंने ली थी थोड़ी सी लिफ्ट, मुझे लगा मैं इनसे पहले पहुंच जाऊंगा, मगर मैंने लिफ्ट लेने की गलती कर दी कि उसने मेरे धर्मशाला में मुझे बहुत आगे छोड़ दिया। अब मुझे उसे डबल वापसी पैदल जाना पड़ रहा है, अभी धूप में नंगे पैर। पैर की जो आज हालत हुई है ना सन्नी भाई, क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस शाम तक छाले ना हो। मुझे तो लग रहा अभी हो गया भाई। सन्नी भाई तो जोर जोर से 50 मीटर आगे भाग गए। मैं तो लिफ्ट लेके चौड़ा हो रहा। मेरी 50 मीटर आगे तेजी से दूर छोड़ा। शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लेने आए हैं अब आरती। ये जो रस्सी के आगे हैं ये लोग हैं पीड़ित और उनकी फैमिली वाले, और उसके जस्ट पीछे हैं हम जैसे जो दर्शन करने आए जो श्रद्धालु हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये वाली चौपाई आपको यहाँ पर जीवंत देखने को मिलती है। इन व्याधियों को कहा जाए तो एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी जो हर जगह हर समय मौजूद होती हैं। हमारे जीवन के नकारात्मक पहलू इन्हीं नेगेटिव एनर्जी का परिणाम होते हैं, और ये नेगेटिव एनर्जी जब किसी मानव शरीर को अपना घर बना लें तो उससे जो कष्ट उस मानव को मिलता है उससे तो मृत्यु भी भली लगती है, लेकिन जब आपके रक्षक स्वयं महाबली हनुमान हो तो फिर भय कैसा। छींटे पड़ने थे आरती के बाद वो तो हो गए हैं बंद, क्योंकि रीजन है कोविड। कोविड के टाइम से वो छींटे पड़ने हो गए हैं बंद। आरती हो गई है और आपको मैंने जो आपको जो दिखाया, आप उसको कभी भी मजाक में मत लें। उनकी फैमिली पे उन पे क्या बीतती है वो हम कभी भी फील नहीं कर सकते। तो अभी ये हमारा जो ब्लॉग था वो यहाँ तक ही था। ये वाला ब्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पीछे ये डालियो ब्लॉग में जरूर, बन गया ब्लॉग है, गजब बेइज्जती है। तो मेरी और भी वीडियो है तो मेरे चैनल पे जाके विजिट करिए और मेरी सारी वीडियो को देखिए और मुझे प्यार करिए। थैंक यू।